Hey guys, welcome to Easy Engineering Classes. Software Engineering के lectures को continue कर रहे हैं हम और आज equivalence class testing हम पढ़ेंगे. So सबसे पहले समझते हैं कि equivalence classes होते क्या है. Equivalence classes basically disjoint या फिर mutually exclusive partitions होते हैं input या output domains के. Okay, so understanding term by term, let's understand mutually exclusive या disjoint. आपको शायद पता ही होगा disjoint का मतलब होता है when there is no overlap. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा question given है जिसमें कुछ variables की या कुछ input and output conditions हमें specify कर रखी हैं, तो हम इन conditions को partitions में या parts में break down करते हैं और ऐसे इनपुट या आउटपुट वैल्यूज को स्पेसिफाई या ऐसी इनपुट वैल्यूज को पता करते हैं जो एक तरीके की पता चले. यानी अगर सपोज हमारे पास एक इनपुट कंडीशन गिवन है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स लाइज बिटवीन 1 और 10, सो मेरी ये इनपुट कंडीशन के लिए मेरे क्या क्या पार्टीशन हो सकते हैं जो डिसजॉइंट हो, यानी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. एक ये हो सकता है पार्टीशन की वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 1 और 10, इंक्लूडिंग 1 और 10, एंड द अदर सेकेंड पार्टीशन कैन बी द वैल्यू इज लेस देन 1 और द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10. ये तीन मेरे डिफरेंट पार्टीशन हो सकते हैं. तो इक्विवेलेंस क्लास बेसिकली डिसजॉइंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्टीशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट एंड आउटपुट डोमेन. इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट कंडीशंस एंड आउटपुट कंडीशंस आप पार्टीशन करते हो अपने डोमेन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स में और हर पार्ट को हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं. और इन इक्विवेलेंस क्लासेस के बेस पे ही हम अपने टेस्ट केसेस डिराइव करते हैं. और व्हेन वी से दैट अ क्लास, हाउ डू वी एक्चुअली स्पेसिफाई अ क्लास, when we can actually say that the values lying within a class are of one kind and they are different from the values lying in another class. जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बोला कि अगर 1 to 10 वैलिड इनपुट रेंज है तो मेरी एक इक्विवेलेंस क्लास मैंने वैलिड इनपुट्स की बनाई जो कि 1 to 10 के बीच में हो गया, जिसमें 1 और 10 भी आ रहे हैं. एक मैंने इक्विवेलेंस क्लास अपनी बनाई लेस देन 1, ये इनवैलिड क्लास है जो कि 1 से कम है. तो इसमें जो भी वैल्यूज होंगी वो पहले वाली इनपुट क्लास से कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगी. और ऐसी मैंने थर्ड एक इक्विवेलेंस क्लास बनाई अबव 10, विच इज अनदर केस ऑफ इनवैलिड इनपुट्स विच आर ग्रेटर देन 10. तो इन तीनों में ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट है और आपस में दे स्पेसिफाई और दे सेग्रीगेट द इनपुट डोमेन इंटू पार्टीशंस दैट डू नॉट ओवरलैप. ठीक है, तो और हर क्लास के अपनी वैल्यूज आपस में कहीं ना कहीं सेम है, दे रिप्रेजेंट वन काइंड. तो इसलिए ये सेकंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में, जिसका मतलब होता है कि एनी वन सैम्पल फ्रॉम अ क्लास इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर क्लास. तो अगर मैंने डिफरेंट या इक्विवेलेंस क्लासेस स्पेसिफाई कर ली हैं, डिफरेंट पार्ट स्पेसिफाई कर लिए हैं, तो उन क्लासेस में से मैं कोई भी अगर सैम्पल उठाऊं वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा. सो जैसे मैंने एग्जांपल में 3 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आइडेंटिफाई करी थी, अब इन तीनों में से मैं कोई भी एक सैम्पल उठा सकती हूँ उस क्लास का. यानी क्लास ए में से मैं चाहे वैल्यू, जो मेरी क्लास ए थी बिटवीन 1 और 10, चाहे मैं वैल्यू 2 उठाऊँ, चाहे मैं वैल्यू 5 उठाऊँ या 8 उठाऊँ या कोई भी वैल्यू उठाऊँ, वो वैल्यू पूरी अपनी क्लास वैलिड इनपुट रेंज को रिप्रेजेंट करेगी. ऐसे ही लेस देन 1 में से मैं कोई भी वैल्यू उठा सकती हूँ. ऐसा नहीं करना आपको कि सारी इनपुट क्लासेस में से या सारी इक्विवेलेंस क्लासेस में से कोई एक वैल्यू उठानी है, नहीं. हर क्लास में से कोई भी वैल्यू अगर हम पिक करते हैं तो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर क्लास. तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि हर क्लास के सारे वैल्यूज आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं या एक तरह की हैं. ठीक है, अब इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग में हमें मेजर 2 स्टेप्स करने होते हैं. सबसे पहले हमने इक्विवेलेंस क्लासेस आइडेंटिफाई कर ली बेस्ड ऑन इनपुट कंडीशन
एज वेल एज आउटपुट कंडीशंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यू द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन एंड देन पार्टिशनिंग द पार्टिशनिंग दीज क्लासेस इंटू वैलिड एंड इनवैलिड क्लासेस। तो जब आपको इनपुट और आउटपुट कंडीशन स्पेसिफाई कर दी गई हैं, स्पेसिफाई की गई हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि देखना है कि इन दोनों में वैलिड रेंज क्या है और इनवैलिड रेंज क्या है। जब आपको इनवैलिड और वैलिड पता चल जाएगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे डिसाइड करनी है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप आपको करना है कि इक्विवेलेंस क्लासेस से टेस्ट केसेस जनरेट करने हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मैंने आपको 1 and 10 का एग्जाम्पल दिया था। अभी मेरी एक वैल्यू, एक वेरिएबल है मेरा सपोज एक्स, विच इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 100। ये मेरी इनपुट कंडीशन है। ऐसी आपको डिफरेंट कंडीशंस गिवन होंगी और मुझे इक्विवेलेंस क्लास आइडेंटिफाई करनी है। तो वन काइंड और वन क्लास ऑफ इनपुट तो वो हो गए जो इस रेंज में लाइक कर रहे हो। सबसे पहले हमने वैलिड और इनवैलिड इनपुट्स क्लासिफाई करने हैं, तो ये वैलिड इनपुट हो गए क्योंकि ये गिवन रेंज में लाइक करते हैं। अब इनवैलिड इससे कम होंगे और 100 से ज़्यादा भी होंगे, तो ये दो क्लासेस हो गई इनवैलिड की। अब क्योंकि दो डिफरेंट इनवैलिड हैं, आपको ये सेम क्लास नहीं बनानी है। ठीक है, आपको वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफाई करना है और एवरी काइंड ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ इनवैलिड इनपुट्स विच आर लेस देन वन। यहाँ पे हो सकता है ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बन गई? एक वैलिड इक्विवेलेंस क्लास, वैलिड रेंज ऑफ इनपुट्स, दो इनवैलिड रेंज ऑफ इनपुट्स, जिसमें पहली वाली में आपके सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो आ रहा है और दूसरी वाली में सारे पॉजिटिव्स ग्रेटर देन 100। अब आप इसे ऐसे भी बना सकते थे कि अगर आपको लग रहा है कि ऑल नेगेटिव नंबर्स इज वन काइंड ऑफ इनवैलिड वैल्यू एंड जीरो इज, सिंस इट्स नॉट अ नेगेटिव नंबर नॉर इट इज लाइंग इन वैलिड रेंज, सो यू मेक दिस जीरो एज अनदर इक्विवेलेंस क्लास। सो दैट वॉज, दैट कुड हैव बीन अनदर वे, वो भी सही होता, लेकिन आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपको जो इनपुट कंडीशन गिवन है उसकी पूरी रेंज को कवर करना है और इनवैलिड की भी सारी रेंज को कवर करना है। ये भी तरीका सही है। और अगर आप जीरो को अलग से एक इक्विवेलेंस क्लास बनाते विद अ सिंगल टेस्ट केस जीरो, तो भी वो सही होता। ठीक है, अब एक नेक्स्ट थोड़ा बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं प्रीवियस डेट प्रोग्राम का। पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको प्रीवियस डेट प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग टाइप समझाती आई हूँ, सो आई थॉट कि इस केस में भी आपको इससे ही क्लियर हो जाएगा और एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस टेस्टिंग टाइप्स। सो सबसे पहले आपको दो चीज़ें ध्यान रखने को जो मैंने बोली थी कि इनपुट कंडीशन एंड आउटपुट कंडीशन। तो कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी बेस्ड ऑन इनपुट कंडीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस, और कुछ बनेंगी बेस्ड ऑन आउटपुट कंडीशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस। तो सबसे पहले प्रीवियस डेट प्रोग्राम में हमारा आउटपुट क्या होगा? या तो एक प्रीवियस डेट हो सकती है जो कि एक वैलिड डेट हो, या एक इनवैलिड डेट हो सकती है। यही दो हमारे आउटपुट हो सकते हैं। तो ये दो मैंने जो इक्विवेलेंस क्लासेस की कैटेगरी लिखी है, ये आउटपुट बेस्ड है, और इसके रिमेनिंग जो नेक्स्ट 9 कैटेगरीज हैं वो इनपुट बेस्ड है। सो आउटपुट बेस्ड में एक कोई भी वैलिड डेट आप चूज करेंगे, तो स्पेसिफिक अगर यहाँ पे रेंजेस वही रहेंगी, मंथ लाइज बिटवीन 1 and 12, डे लाइज बिटवीन 1 and 31, एंड ईयर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1900 से 2025 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक प्रीवियस वैलिड डेट आपको बनानी है तो सबकी नॉमिनल वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मंथ मैंने 6 ले लिया, 15, और ईयर मैंने 1962 ले लिया इस केस में। ठीक है, तो आपकी ये डेट आ गई, प्रीवियस डेट क्या होगी? 14 June 1962, दैट वुड बी द आउटपुट इन दिस केस। और इनवैलिड डेट क्या होगी? इनवैलिड डेट का आप एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आपने मंथ ले लिया 2,
डे ले लिया 31 और ईयर ले लिया अगेन 1962. सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनवैलिड डेट एंड इनवैलिड इनपुट. ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, इनवैलिड डेट के केस में इनपुट सारे वैलिड होते हैं लेकिन जो डेट आएगी वो वैलिड नहीं होगी. ठीक है, सो इन दिस केस द प्रीवियस डेट वुड बी 30th February, या फिर अगर आप कोई और मंथ लेते हैं तो सपोज यहाँ पे आप कोई ऐसा मंथ लेते हैं जिसमें आपकी जिसमें 30 days होते हैं लेकिन आपकी प्रीवियस डेट निकल के आ रही है 31st of that month. सो इफ यू टेक सपोज यहाँ पे 1 मार्च 1962, सो 1 मार्च का प्रीवियस डे होगा 31st of February, विच इज अगेन अ इनवैलिड डेट बट हैविंग वैलिड इनपुट्स. ठीक है, अब इनपुट के बेसिस पे हम प्रीवियस डेट प्रोग्राम को इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने बताया था, आपके इनपुट्स इनपुट कंडीशन आपको देखनी है. आउटपुट कंडीशन हमने देख ली, इनपुट कंडीशन हमारी क्या क्या है. हमारे पास ये तीन इनपुट कंडीशंस है या ये वैलिड रेंजेस है. तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या बनेंगी, अगर हम मंथ के लिए देखें, मंथ लाइंग विद इन द वैलिड रेंज, मंथ लेस देन द लोअर बाउंड्री एंड मंथ ग्रेटर देन द अपर बाउंड्री. ठीक है, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, अगर मंथ वैलिड रेंज में लाइक करता है तो हमारा नॉमिनल या फिर नॉर्मल केस आ जाएगा अगेन, और ये आउटपुट आ जाएगा अगेन 14th June 1962. अब अगर हमारा मंथ लेस देन 1 है, तो अगर सपोज मैं यहाँ पे 0 करती हूँ, 0 फिर 15 और 1962, दिस इज एन इनवैलिड इनपुट. इट इज नॉट एन इनवैलिड, इट इज ऑल्सो एन इनवैलिड डेट बट इनपुट ही सही नहीं है यहाँ पे, इनपुट रेंज से बाहर है. तो इनवैलिड इनपुट एंड इनवैलिड डेट, ऐसे ही 13, 15 एंड 1962 वुड बी इनवैलिड. नेक्स्ट कम्स द इनपुट रेंज फॉर डे. डे की इनपुट रेंज 1 और 31 के बीच में है, तो सबसे पहले तो हम एक करेक्ट वैल्यू लिखेंगे. कॉन्टिन्यूइंग विद द सेम थिंग, 6, 15 एंड 1962. ये 15 और 1962 और 6 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें मिड वैल्यूज कंसिडर कर रही हूँ फॉर देयर रेंज. ठीक है, अब आप 1962 स्पेसिफिकली लेना ज़रूरी नहीं है, आप 1960 ले सकते हैं या एनी वैल्यू अराउंड द मिडल ऑफ दिस रेंज, ताकि वो कन्फर्म्ड या वेरीफाइडली करेक्ट हो. ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, यू हैव टू गो टू द एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू. ऑल राइट, अब अगर डे लेस देन 1 है, तो डे अगर मैं -1 लेती हूँ और मंथ को और ईयर को सही वैल्यूज पे रखती हूँ, अगेन इट वुड बी अ इनवैलिड डेट एंड इनवैलिड आउटपुट, इनवैलिड इनपुट. ऑल राइट, डे ग्रेटर देन 31, सो 32 अगेन यू कैन राइट द एक्सपेक्टेड आउटपुट इन द सेम वे. अब मैं ईयर की अगर बात करें, ईयर की वैलिड रेंज ये है, इसकी वैलिड रेंज में अगर हम कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो एक वैलिड डेट मिलेगी, लेकिन अगर हम ईयर को 2026 रखते हैं, विच इज़ आउट ऑफ द वैलिड रेंज, इट वोंट बी अ करेक्ट आउटपुट, या फिर इनवैलिड डेट आएगा. या फिर अगर हम लेस देन द लोअर बाउंड्री रखते हैं कोई भी वैल्यू, तो इट वुड बी अगेन इनवैलिड इनपुट एंड इनवैलिड डेट. तो ये था एक बेसिक एग्जाम्पल जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे बनाते हैं. तो इक्विवेलेंस क्लासेस आपकी इस केस में आउटपुट के लिए 2 हैं, इनपुट्स के लिए ये 9 क्लासेस हैं, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये टेस्ट केसेस हैं. क्वेश्चन अगर आपके थ्योरी पेपर में आता है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इनपुट और आउटपुट कंडीशंस क्या है, फिर दोनों कंडीशंस को एक एक करके लेके आप वैलिड और इनवैलिड रेंजेस आइडेंटिफाई करिए उन कंडीशंस के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे वैलिड और इनवैलिड कंडीशंस के बेसिस पे या इक्विवेलेंस क्लासेस के बेसिस पे टेस्ट केसेस बनाइए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग, सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर.